नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और 12 की बड़ी खबर की शुरुआत इंदौर से, जहां पर बेसमेंट में खड़ी कार में आग लग गई। भीषण आग लगी है, शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। छोटी ग्वाल टोली थाने का ये मामला है, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने बेसमेंट में खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार में भीषण आग लगी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंदौर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बेसमेंट में खड़ी कार में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। ये कौन है, क्यों आग लगाई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए जरा किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेसमेंट में खड़ी कार को शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया और बेहद भीषण यह आग लग गई। दमकल की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहला आग पर काबू पाने की जिस तरीके से पाया गया, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। खबर के मुताबिक शरारती तत्वों ने इस कार में आग लगाई है। हमको कंट्रोल से फायर की सूचना मिली, यशवंत प्लाजा में फायर हो गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में हमने देखा कि इससे बेसमेंट में ज्यादा धुआं निकल रहा था, समझ पड़ नहीं रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अंदर जाने का तो उससे रास्ता समझ नहीं आया। तो जहां से हमको रास्ता मिला वहां से हमने जो है उसको आग को बुझाने का प्रयास किया है, जिसके अंदर अंदर जब बुझा, थोड़ा सा बुझ गई, अंदर आकर देखा इसके अंदर तो 500 HC गाड़ी है, इसमें फायर हुआ था, इसको हमने अभी मतलब अंदर आकर फिर उसको पूरी तरह से बुझाया। इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरीके से इस कार को आग के हवाले कर दिया गया। आग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि इंदौर में ये कार बेसमेंट में खड़ी थी। लगातार इंदौर में बीते कई दिनों से या तो शरारती तत्व हो या सामाजिक तत्व, उनके हौसले बुलंद नजर आते हैं। कई जगहों पर घटनाओं को अंजाम देते हैं, कोई तलवार लहराते हुए दिखाई देता है, तो कोई पिस्टल हाथ में लेकर धमकी देते हुए दिखाई देता है, तो कोई आग कारों में लगा देता है। देखिए जरा ये कार बेसमेंट में खड़ी थी और इसे आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।